एवरीवन वेलकम टू स्कूल डायरीज इस वीडियो में करेंगे क्लास थ्री का मैथ्स तो इस वीडियो में करते हैं क्लास थ्री मैथ्स का यूनिट नंबर सिक्स डिवीजन का एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर ठीक है सो यहाँ पे देखिए हम डिवीजन कर रहे थे अभी डिवीजन में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि डिवीजन फैक्ट्स कि किसी नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा है ना तो वो कुछ फैक्ट्स हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया है कि अगर हम किसी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो जैसे, तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में किया था वैसा ही है है ना अगर किसी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर होगा है ना जैसे कि फाइव वन जार फाइव है है ना तो उसी तरीके से फाइव डिवाइड ड बाई वन भी फाइव है है ना इसका मतलब भी समझिए कि आपके पास हमेशा उसका मीनिंग समझिए उसका मतलब है कि फाइव चॉकलेट्स थे और आपको उसे एक ही बच्चे में बांटनी है तो उस बच्चे को कितना मिलेगा तो उस बच्चे को पूरे फाइव मिलेंगे है ना क्योंकि एक ही बच्चे में बांटना है तो हमेशा उसका मतलब भी समझिए उस स्टेटमेंट का तो इसीलिए लिए यहाँ पे फाइव आ रहा है और अब ये हो गया फैक्ट नंबर वन अब फैक्ट नंबर टू देखते हैं कि अगर आपको किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना हो यानी सिक्स को सिक्स से ही डिवाइड करना है तो आंसर वन आएगा तो अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिक्स फ्लावर्स हैं या सिक्स चॉकलेट्स हैं और आपको उसे सिक्स बच्चों में बांटने हैं यानी सिक्स चीज़ें हैं और बांटने भी सिक्स बच्चों में ही है तो हर एक को एक ही मिलेगा है ना सबको एक एक दे, दे देंगे तो वो सिक्स ख़त्म हो जाएगा तो इसीलिए लिए सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स होता है वन अब ट्वेंटी है तो क्या है बताओ ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी क्या होगा वन ही होगा है ना इसका मतलब भी वही है कि आपके पास ट्वेंटी चॉकलेट्स थी और ट्वेंटी बच्चों में बांटनी थी तो एक को मिलेगा वन तो कोई भी नंबर हो डिवीजन में अगर आपको उसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोलेंगे तो आंसर होगा वन मतलब एक को एक एक मिलेगा तो यही है फैक्ट नंबर टू अब देखते हैं फैक्ट नंबर थ्री किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा ज़ीरो जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी हमने किया था है ना किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब है ज़ीरो तो वैसे ही डिवीजन में भी किसी भी नंबर को फोर डिवाइडेड बाय जीरो आंसर विल बी जीरो मतलब वहां पर कुछ नहीं होगा जीरो अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके पास फोर चॉकलेट्स हैं और आपको उसे जीरो बच्चों में बांटनी है तो ये है इसका मतलब जीरो मतलब किसी बच्चों में नहीं बांटनी है ना फोर चॉकलेट्स थी लेकिन किसी में नहीं बांटना जीरो में बांटना है तो सबको क्या मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा है ना जब हमने बाटी ही नहीं तो फिर कुछ आएगा ही नहीं आंसर जीरो ही होगा है ना इसीलिए तो इसका मतलब भी समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है अब हम कहते हैं इसी के बेसिस पे सिक्स पॉइंट फोर एक्सरसाइज अब नंबर वन देखते हैं एट डिवाइडेड बाय वन एट के साथ हम वन को डिवाइड करेंगे तो आंसर एट ही होगा जो हमने फैक्ट नंबर वन में पढ़ा था है ना किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे मतलब आंसर वही नंबर ठीक है अगला भी वही है फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी के साथ वन को डिवाइड किया आंसर वही नंबर अब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो आंसर जीरो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो आंसर जीरो तो वही है यहाँ पे ठीक है और अब किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड कर दिया टू डिवाइडेड टू टू चॉकलेट थे टू बच्चों में बांटे तो हरेक को मिलेगा ठीक तो so, है तीन चाहे वो कितने भी बड़े नंबर हो छोटे नंबर बड़ा नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पेडेड बाई वन है अब वो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्स डिवाइडेड बाय वन पूछे तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है आंसर आएगा 2463 जो आंसर यहां पे होगा वही होगा यहां पे अगर आप उसे वन से डिवाइड करेंगे तो तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो और अगर यहां पे जीरो है समझ लीजिए अगर इसी नंबर को आपको जीरो से डिवाइड करना हो तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये फैक्ट्स हैं तो वो कभी चेंज नहीं होते चाहे कोई भी नंबर वो पूछ ले, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं होगा ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है और लास्ट फैक्ट था कि किसी भी नंबर को चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो उसे उसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोलेंगे तो आंसर होगा आपका वन ठीक है सो ये तीन फैक्ट हैं जो यहां पे एक्सप्लेन किए गए हैं और होप आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में सिक्स पॉइंट फाइव तब तक के लिए बाय बाय